नमस्कार, मैं संजय अंबेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और बुरी खबर है आदिवासी समाज के लिए। आदिवासी समाज की खबर को लेकर बहुजन समाज आक्रोशित है। वह खबर आप समझ ही गए होंगे क्या खबर है। 4 जुलाई से वह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वह वीडियो है पेशाब कांड मध्य प्रदेश के। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी मजदूर पर पेशाब करने वाला वीडियो 4 जुलाई को वायरल हो रहा है। इस मामले पर हंगामा मच गया है कि आरोपी प्रवेश शुक्ला को बीजेपी नेता बताया जा रहा है। बीजेपी इसे इनकार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि उसका प्रवेश शुक्ला से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उधर कांग्रेस पार्टी ने आरोपी के बीजेपी से जुड़े होने की तस्वीर शेयर की है साफ साफ। इस खबर को लेकर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक गरीब आदिवासी लड़के पर पेशाब करने का बेहद अमानवीय और घिनौनी वीडियो सामने आया है। वीडियो मैं आपको चला के दिखा दूंगा। यह घटना एमपी के कानून व्यवस्था का हाल बयां करती है, जहां कमजोर की कोई सुनवाई नहीं है। आरोपी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित को स्वास्थ्य जांच और संरक्षण प्रदान की जाए। यह आकाश आनंद ट्वीट करके कह रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बहुजन समाज के नेता एक्टिविस्ट कार्यकर्ता आक्रोशित है, लगातार इस तरह का मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं, वो बहुत ही आक्रोशित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बहुजन समाज के बड़े पत्रकार लेखक एक्टिविस्ट दिलीप मंडल ने भी ट्वीट किया है। दिलीप मंडल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पेशाब कांड में पीड़ित बच्चे के आंसू पोंछने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों को जाना चाहिए और पीड़ित को आश्वासन करना चाहिए कि पूरा राष्ट्र आदिवासियों के साथ है, राष्ट्रीय एकता के लिए यह बहुत जरूरी है। दिलीप मंडल ने आगे लिखा, प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, सीधी पेशाब कांड में 4 कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पहला, पीड़ित को सरकारी सुरक्षा और शहर में उसके लिए एक सरकारी आवास, उसका मनोवैज्ञानिक उपचार क्योंकि सदमा गहरा है। आगे उन्होंने कहा कि दूसरा, पीड़ित को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा। तीसरी बार उन्होंने कहा कि अपराधी को लंबे समय तक जेल में रखने का बंदोबस्त, प्रशासनिक लापरवाही हुई तो अधिकारी की बर्खास्तगी तय है। चौथा, आपको चाहिए कि आप जाकर पीड़ित को गले लगाएं, आश्वस्त करें कि शासन उसके साथ है। दिलीप मंडल यह ट्वीट बहुत बड़ा करते हैं कि सरकार शिवराज सिंह चौहान जाके उनको गले लगाए और मामले को ठंडा करें। वहीं आपको बता दें कि आदिवासी समाज के बहुत बड़े एक्टिविस्ट, आप नाम से ही जान जाएंगे, हंसराज मीना जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश में गरीबी आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाला भाजपा के युवा नेता प्रवेश शुक्ला की यह शरारत और उदंडता आसनीय है। आदिवासियों के प्रति बीजेपी का यह असली चेहरा है। मध्य प्रदेश प्रशासन प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध SC ST एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करे। वहीं आपको बता दें, इस सारे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह तुमको भी, तुम पर पेशाब भी करेंगे, तुम्हारी बहु बेटियों का बलात्कार भी करेंगे, क्योंकि मामा की सरकार में दलित आदिवासियों के मान सम्मान के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, क्योंकि यह सिर्फ धरना सेठों के लिए काम करते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उभरते हुए नेता उपकार बावरा भी लिखते हैं, जाति तौर पर इस तरह या इससे भी घृणित अत्याचार आधुनिक भारत में आज भी दबे कुचले समाज से आने वाले लोगों पर हो रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री वाहवाही बटोरते हुए किंतु इस पर कोई टिप्पणी नहीं देते, क्योंकि जातिवादी कीड़ा सबकी रगों में जो दौड़ता है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया है ऐसा। इन सारे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको जाते जाते बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के CM हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई कर NSA भी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सीधा देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। इस सारे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रवेश शुक्ला का संबंध बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी साफ इनकार कर रही है कि उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस समय आरोपी ये कांड कर रहा था उस समय बीजेपी साथ रहती है, लेकिन कांड के बाद बीजेपी साफ साफ इनकार कर देती है कि मेरा कोई संबंध नहीं था प्रवेश शुक्ला से।
इन सारे मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करिएगा, और चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।